तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ एडवांस एक्सेल फॉर्मेटिंग में हम बात करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग। जी हाँ, कस्टम फॉर्मेटिंग जो है आज का हमारा टॉपिक है। इस पे हमने एक क्लास आपको पहले दे रखा है, अब हम बात करेंगे नए क्लास की। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम कस्टम फॉर्मेटिंग का लिंक भेजा था, मैं उसी लिंक को खोल रहा हूं। मैंने उसी लिंक को खोला हुआ है। ये मैं लिंक खोल लिया। और इसमें सबसे पहला आप देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव जीरो टेक्स्ट। अब ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम समझाते हैं आपको। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हमने यहां पे 1500 लिखा, राइट सर? हाँ सर। 1500 के आगे या पीछे हम प्रीफिक्स और सफिक्स लगाना चाहते हैं। अच्छा, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहां कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे और यहां पे हम इंपोर्टेड कॉमा में से एमआरपी लगाना, एमआरपी लगाना। आगे अगर जीरो या कुछ ना डालूं तो क्या होगा, कुछ तो यहां पे जस्ट आपको एमआरपी का एमआरपी ही दिखेगा। लेकिन अगर मैं माइनस में डालूं फिर भी आपको माइनस एमआरपी दिखता है। ओके सर, मैं चाहता हूं कि माइनस में डिस्काउंट दिखे। तो यही चीज यहां समझा रहा है कि माइनस में डिस्काउंट देखना है तो यहां आप सेमी कॉलन दें और यहां पे आप दे दें डिस्काउंट बड़े कमान में, यह रखिएगा। यहां आप क्लोज करते हैं, आप देखिए डिस्काउंट आया। इसी में अगर मैं यहां पे एक और सेमी कॉलन डालता हूं, देखिए सेमी कॉलन डालता हूं और यहां पे मैंने कर दिया फ्री, तो फ्री हो जाए। यहां पे जीरो डालूंगा तो फ्री हो जाए। मतलब कि ये बोल रहा है कि अगर आप सेमी कॉलन को सेपरेट करते हुए, सेमी कॉलन को सेपरेट करते हुए अगर आप डालते हैं तो पहला जो डालेंगे सेमी कॉलन के पोजीशन में वो पॉजिटिव के जगह पे शो करेगा, दूसरा डालेंगे वो नेगेटिव के जगह पे शो करेगा और तीसरा डालेंगे वो जीरो के जगह पे शो करेगा और चौथा टेक्स्ट के जगह पे। ओके, तो सेम चीज यहां हुआ है। समझ आ गया था आपको? अब इस पे आप मान लो वैल्यू करना चाहते हैं तो इसका आगे जैसे मैंने दे दिया जीरो और डिस्काउंट का आगे मैं दे देता हूं जीरो, ओके कीजिए। यस सर, बात होती है कि इसका यूज का, अब इसको यूज कहां करें,
तो एक छोटा सा डेटा हम तैयार करते हैं। मेरे पास नेम है नीरज, मोहन, इस तरह के कुछ नाम और एक डेट। मैं अक्टूबर का, नवंबर का डेट डाल देता हूँ, सितंबर का डेट। ओके, अब यहाँ पे रैड बिटवीन का हम डाल देते हैं। सॉरी, इसमें नंबर हमने गलत डाल दिया, गलत डाल दिया। मान लीजिए मेरा एक्सेस कार्ड का डेटा है। आप ऑफिस में जाते हैं, बायोमेट्रिक फिंगर से आपका डेटा खुलता है ना सर? तो ये आपका मान लीजिए एक्सेस कार्ड का डेटा है। ठीक है, ठीक है सर। इसमें दिक्कत यह है कि मुझे इसको अटेंडेंस में शो करना है, अब्सेंट प्रेजेंट में। तो यहां जो जीरो है वो क्या है हमारा, नंबर जीरो जो है वो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, एब्सेंट, एब्सेंट है। तो मैं कुछ दिन उस कार्ड को यूज ही नहीं किया है, उस दिन कार्ड का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और जाते हैं फॉर्मेट सेल में। यहां आते हैं हम कस्टम में और यहां पे हम देते हैं P4%। अब नेगेटिव नंबर तो इसमें नहीं है ना, तो नेगेटिव नंबर के जगह पे हम ब्लैंक छोड़ के एक और सेमी कॉलम देते हैं और यहाँ पे देते हैं अब्सेंट। अब आगे टेक्स्ट वगैरह का है तो टेक्स्ट वगैरह का डालना जरूरी नहीं है, मैं जो जरूरत वो डालिए लेकिन सीक्वेंस में डालिए। ठीक है, अब देखिए जो भी जीरो है वो अब्सेंट हो जाएगा और जो पॉजिटिव नंबर है वो हमारा प्रेजेंट हो जाएगा। नहीं सर, ये तो सभी प्रेजेंट में आ रहा है सर। देखता हूँ क्या गड़बड़ी है। तो सॉरी, सेमी कोलन डल गया, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, कॉलन के जगह पे सेमी कोलन के जगह पे कॉलन डल गया था। ओके, हाँ सर, कॉलन आ गया। मैं चाहता हूं इसको कलर करना, कलर जैसे कि इसमें नीचे आप इसे देख रहे हैं कि यहां पे कलर है, ए क्या बोलते हैं, ये आर्टिकल में जाते हैं ना, आर्टिकल, यहां ब्लू है, रेड है ना। मैं चाहता हूं कि जो अब्सेंट है वो रेड हो जाए। तो हमने क्या किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए और ए से आगे स्क्वायर ब्रैकेट में हम रेड डाल देते हैं, डाल दिए एंड ओके। इस तरह की कलर भी हम कर सकते हैं। ओके सर, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नो सर, क्लियर। नहीं सर, क्लियर।
हम बात करते हैं एड यहाँ पे, एक और इसको ड्रैग ऑन कीजिए तो आप खुलेगा। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे को आप विदाउट इन्वर्टेड कॉमा में डाल सकते हैं। इसमें हमने बताया था जीरो और हैश के लिए जो होता है वो टेन नंबर के लिए होता है, बट एट द रेट जो होता है वो टेक्स्ट के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कंपनी का नेम लिखना है, जब मैं कंपनी का नेम लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे m/s देना पड़ता है, देन लिखना पड़ता है। मैं चाहता हूँ m/s ऑटोमेटिक लग जाए, तो जितना एरिया में लिखना है उतने एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ जो है कस्टम पे यहाँ जो है इन्वर्टेड कॉमा में m/s कर दीजिए, उसके बाद यहाँ एट द रेट दे दीजिए। मतलब m/s के बाद जो भी एट द रेट होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। देन ओके, समझ गए? हाँ सर। अब यहां पे मैं देता हूं आईपीटी, तो एमएस आईपीटी यहां पे दिख रहा है, दिख रहा है सर? उसी तरह से मैं यहां एड्रेस देता हूं, एड्रेस में B411 इस तरह से लिखना है, बाद में न्यू दिल्ली वगैरह अपने आप आता है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, कस्टम में आते हैं और यहां हम एट द रेट के बाद करते हैं न्यू दिल्ली 11062 और इसको ओके कर देते हैं। आ गया सर न्यू दिल्ली 11062। हाँ हेलो 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 सर, सॉरी सॉरी सर, एक कॉल आ रहा था बार बार सर, अच्छा आ रहा था, इसलिए बात करना जरूरी था। ये समझ में आ गया आपको सर? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे मैं सिंगल कोड देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए कि हम एक काम और करते थे, हमने ये डाल दिया। मैं यहाँ पे कस्टम में आता हूँ और इस पे क्या करता हूँ कि यहां पे हम दे देते हैं एट द रेट और स्टार, एक और स्टार देना होगा, दो स्टार, ठीक है। तो क्या होगा कि जितना एरिया बचेगा उस पे स्टार लगा देगा, कमता है तो कम जाएगा, बढ़ता है तो बढ़ जाएगा। इसका यूज मैंने किया था, मैंने एक फॉर्मेट बनाया था चेक प्रिंट करने के लिए सर,
समझे? चेक प्रिंट करने के लिए एक एक फॉर्मेट बनाया था, तो चेक प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया था। तो वहां पे क्या था कि खाली जगह नहीं बचना चाहिए, उस पर स्टार होल्डर लगाना चाहिए, बनाओ दिक्कत हो सकती थी इसलिए। ठीक है, तो एट द रेट जो होता है वो टेक्स्ट के लिए होता है, बाकी इसमें वही है जो कि मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें खास और चीज नहीं। हाँ, इसमें एक कलर का ऑप्शन है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये देखिए कलर, जैसे आप कंडीशनल कलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कंडीशंस कलर, जैसे यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स दे दिए, राइट। मैं चाहता हूं जो 100 से ऊपर वाले हैं वो उस और कलर हो जाए, और 100 से नीचे वाले कुछ और कलर हो जाए, तो हमें कुछ इस तरह से टाइप करना होगा, गेट रेड लेस देन इक्वल टू 100, ब्लू ग्रेटर देन, सभी कलर के बीच में होगा, और रेड ब्लू की जगह पे आपके पास ये सारे कलर है, ब्लैक ग्रीन श्याम जिंटा व्हाइट, ये सारे कलर इसमें दे सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, आ गया सर आपको? हाँ क्लियर है? हाँ सर। चलिए, ये बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन इसमें है कि इसमें और ज्यादा डिटेल में करना हो तो हमारी अगली क्लास जो है वो हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग की है। ये सब नॉर्मल है जो कि मैंने आपको बताया था, और ये डेट टाइम वाला मैंने बता ही रखा है आपको, क्या सर? कस्टम फॉर्मेटिंग मेरे हिसाब से यहाँ पे खत्म होता है, हमने टॉपिक खत्म कर। अब आपके पास कोई डाउट है, किसी तरह का क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, यू कैन प्रोसीड। सर अगर डेट है मेरे पास सपोज, और मैं ये करना चाहता हूँ जो मेरे डेटा में, कि जहाँ पे डेट है वहाँ पे तो ठीक है, और जहाँ पे मतलब डेट नहीं है वहाँ पे मेरा एक डैश आना चाहिए बस, तो उसके लिए कैसे करना पड़ेगा? क्या डेट है समझ नहीं आया मैंने क्या बोला आपने? सर डेट का एक वो कॉलम है मेरे पास, और उस डेट कॉलम में सपोज पकड़ लो जिस दिन मेरा काम हुआ है उस दिन तो डेट दिया हुआ है मैंने, और जिस दिन काम नहीं हुआ है उस दिन डेट नहीं दिया है, तो वो जो सेल है वो ब्लैंक जाएगा, तो ब्लैंक में मैं देना चाहता हूँ कि एक डैश देना चाहता हूँ, तो जहां जहां डेट है वो डेट होगा और जहां जहां ब्लैंक है वो डैश। कौन सी बड़ी बात है, एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल एच कीजिए, ब्लैंक को रिप्लेस कर दीजिए, वो इसको सर ये फॉर्मेटिंग में जाके नहीं कर सकते सर डायरेक्टली? फॉर्मेटिंग में हाँ, कंडीशनल नहीं, फॉर्मेटिंग में कर नहीं कर सकते, फॉर्मेटिंग ये ब्लैंक को नहीं, ये तो होगा तो ये तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही, कल हम बात करेंगे कंडीशन।